नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी बबलू, मैं इस समय मौजूद हूँ आयुर्वेदिक कॉलेज में। आयुर्वेदिक कॉलेज का अगर यूं कहा जाए कि प्राचीन भारतीय प्राचीन आस्थाओं मान्यताओं का आयुर्वेद कॉलेज से बड़ा पुराना संबंध रहा है। यहाँ पर कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान लगातार लोगों को काढ़ा और तमाम चीज़ें वितरित की जा रही हैं, उसी के चलते यहाँ पर मैं मौजूद हूँ निधि जी के पास। ये मैम, आपने आज जो सामान बांटा ये क्या है, इसका किस तरीके से इस्तेमाल होता है? जी, आज जो हमने अपने मीडिया कर्मी बंधुओं को औषधियाँ उपलब्ध कराई हैं, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली आयुर्वेद की बहुत ही प्रसिद्ध औषधियाँ हैं। जैसे इसमें आपको संशमनी वट्टी हमने उपलब्ध कराई है, जिसमें गिलोय है। गिलोय का नाम आप लोगों ने आजकल सुना ही होगा, और ये बहुत ही पुराने समय से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए एंटीवायरल, और इसमें बहुत सारे औषधीय गुण हैं जो कि निश्चित ही आपको लाभ पहुंचाते हैं। साथ में हमने अणु तेलम दिया है आपको, जो कि नस्य के रूप में इसका यूज़ करते हैं। ये भी बहुत ही कारगर है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आपकी, और वायरस पे इसका जो असर है वो बहुत ही अच्छा, मतलब इफ़ेक्टिव आया है। साथ में हमने आपको त्रिकटु काढ़ा उपलब्ध कराया, जो कि मध्य प्रदेश शासन आयुष विभाग द्वारा सभी को उपलब्ध कराया जा रहा है। एवं इसके साथ एक होम्योपैथी मेडिसिन भी है, आर्सेनिक एल्बम। ये सभी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में बहुत ही कारगर। ये सारी चीज़ें इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत कारगर है। इसका इस्तेमाल प्राचीन काल से पूरे देश में हो रहा था। मैम, एक बीच में यहाँ पर एक सवाल ये बनता है कि जैसा अभी आपने कहा कि आयुर्वेदिक औषधियाँ बहुत कारगर हैं, अभी दूसरी वेव में आपकी औषधियों का सरकार ने उस तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जिस तरीके से आप लोगों को उम्मीद थी, जैसा आपने पहली बार में रिजल्ट दिया था? जी, जैसे हमें निर्देश प्राप्त हो रहे हैं भोपाल से और हमारे आयुष विभाग से, उसके अनुसार हम लगातार कार्यरत हैं। और पिछले वर्ष तो हमने डोर टू डोर औषधियों का वितरण कराया था, जिससे हमारी जनता को बहुत ही लाभ हुआ था, लोग लाभान्वित हुए थे और संक्रमण दर भी कम हुई थी। इस बार हमने जितने कार्यरत ऑफिसेज हैं, जैसे कलेक्टर कार्यालय, कमिश्नर कार्यालय, नगर निगम, सफाई कर्मचारियों को, और CMHO कार्यालय, जिला चिकित्सालय आदि अन्य जगहों पर भी जितने कार्यरत स्टाफ हैं, सभी को हमने औषधियाँ उपलब्ध कराई हैं। और हमारी कोशिश है कि अधिक से अधिक लोगों तक ये औषधियाँ पहुँचें और इनका लोगों को लाभ पहुँचे, क्योंकि प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने से आप सभी जानते हैं कि इस वायरस का असर काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। जैसा कि आजकल हमारा वैक्सीनेशन जारी है, वैक्सीनेशन भी ज़रूर कराना है सभी को, उससे भी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ रही है। और आयुर्वेदिक औषधियाँ ना केवल प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा रही हैं, जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन देखने में आ रहे हैं उसको भी काफ़ी हद तक दूर करने में सहायक। जैसा कि कहा गया, सरकार ने ये आपसे लगातार ये कहा, सोशल मीडिया में तमाम अपील लोग कह रहे थे सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग तो अपनी जगह ठीक थी। आपको ये माना जाए कि जो आपने ये औषधियाँ दी हैं, अगर इसका इस्तेमाल लोग ईमानदारी से करें तो कोरोना से बचा जा सकता है? निश्चित रूप से, यदि आपको जैसी बताई गई मात्रा अनुसार और समय अनुसार अगर आप इसको लेते हैं, जितने समय तक के लिए लेना है, निश्चित रूप से आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और आप काफ़ी हद तक संक्रमण की मैं आपको बीच में रोकूंगा, जैसा कि आपने कहा कि बताई, जो भी आपने बताया है किस तरीके से लेना, तो हमारे दर्शकों को जो इस समय आपको टीवी में देख रहे हैं उनको बताइए इसका इस्तेमाल किस तरीके से करना। देखिए, जो हम संशमनी वटी आपको उपलब्ध करा रहे हैं, एक टैबलेट फॉर्म में है, दो दो गोली सुबह शाम आपको गुनगुने जल से 15 दिवस के लिए लेना है। साथ में अणु तेलम का दो दो बूंद नस्य सुबह खाली पेट आपको दो दो बूंद नाक में टपकानी है, और आर्सेनिक एल्बम 3 दिनों तक आप लेंगे, 6-6 टैबलेट उसकी खाली पेट लेंगे, उसको फिर रिपीट करते हैं आफ्टर 21 डेज, हमें दोबारा रिपीट करनी है। एक अंतिम सवाल ये है कि जैसा कहा जा रहा कि तीसरी वेव आने वाली है, ये बच्चों पर जिस ज़्यादा इफेक्ट डालेगी, तो क्या इस औषधि का बच्चे किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं? बच्चों के लिए तो आयुर्वेद में बहुत ही अच्छी औषधियाँ उपलब्ध हैं। साथ ही जो हम स्वर्ण प्राशन कराते हैं, एक संस्कार है, 16 संस्कारों में से एक है स्वर्ण प्राशन संस्कार, उससे निश्चित रूप से बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ती है। और हमारे यहाँ हॉस्पिटल में हर पुष्य नक्षत्र में हम महीने में कराते थे, क्योंकि अभी लॉकडाउन है और कोविड है, इसलिए अभी कुछ दिनों से ये बंद है। तो मेरा ऐसा मानना है कि यदि आप अपने बच्चे का स्वर्ण प्राशन करवाते हैं तो निश्चित रूप से उसकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और वो इस महामारी से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। ये थी निधि जी, अधीक्षक आयुर्वेदिक कॉलेज, जिनका साफ तौर से कहना था आयुर्वेद में ऐसा सब कुछ है,
सारी चीज़ें हैं जिससे इस्तेमाल करके हम इस महामारी से लड़ सकते हैं, महामारी से बच सकते हैं। आपका न्यूज़ नेटवर्क टुडे को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको अब औषधि वितरण कक्ष की ओर लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ यहाँ पर किस तरीके से यहाँ के लोगों ने तैयारी कर रखी है। जैसा कि आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे होंगे, तमाम औषधियाँ आपको यहाँ पर दिखाई दे रही, साथ ही ये टेबल, जिस टेबल पर मैं आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ये औषधियाँ लगातार तैयार की जा रही हैं और इनको तैयार करके उन लोगों तक, ज़रूरतमंदों तक पहुँचाया जाएगा जो इस बीमारी से लगातार पीड़ित हैं या इसका इस्तेमाल करके इससे बचने का उनको लाभ मिल सकता है। ये बताइए, जिस तरीके से आप लोग दिन भर में कितने पैकेट तैयार करते हो, किस तरीके से बांटते हैं? 150-200 पैकेट बन जाते हैं दिन भर में। और कैसे बांटते हैं आप लोग? बस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जो है खिड़की से देते हैं। 150-200 लोगों को पर डे हम बांटते हैं और उसका इस्तेमाल करके यहाँ बहुत सारे लोग लगातार इसका लाभ ले रहे हैं और इस बीमारी से लड़ने में हम लोगों की मदद दे रहे हैं। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।